दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है ए टू जेड नॉलेज में। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जिनमें लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादातर यूज़र्स को। इससे पहले मैंने जियो टीवी के बारे में और जियो टीवी की लॉगिन प्रॉब्लम और यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो इसी के चलते मेरे को एक और रिक्वेस्ट आ रही है कि अब हम जी टीवी और कई सारे चैनल हैं जैसे स्टार प्लस वगैरह, ये सब हम जियो टीवी में कैसे चलाएं। जी हाँ दोस्तों, जियो टीवी आपको पता है कि जियो सिम का एक जियो कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जो कि ज़्यादातर जियो यूज़र्स ही चलाते हैं, और इसमें आपको सारे चैनल जिसने टीवी पे आते हैं वो सारे चैनल आप मोबाइल में देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी सब्सक्रिप्शन पैक के। आपको सिर्फ नेट में ही पैसे देने पड़ेंगे, बाकी आप आराम से जियो टीवी के सारे चैनल देख सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जियो टीवी में लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जियो टीवी सर्च करूँगा सीधे पहले। तो दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले जियो लिखेंगे और यहाँ पे जियो टीवी हमारे पास है तो आ गया। देखिए बीच में बिल्कुल लाल लाल कलर का जियो टीवी आ रहा है। अगर आपने अभी तक जियो टीवी भी नहीं करा है और इसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं और जियो टीवी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मुफ्त में। तो आइए जानते हैं, जियो टीवी के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे हमारी जियो टीवी लोडिंग होना शुरू हो गई है। देखिए अभी हाल ही में सारे चैनल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। देखिए आप देख सकते हैं सारे कैटेगरी के चैनल, सारे चैनल लिस्ट बहुत लंबी है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम हमारी जो पिछली वाली प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि यूज़र नेम और पासवर्ड लोगों को दिक्कत हो रही थी करने में, लॉगिन करने में जियो टीवी में। और आपको बता देता हूँ मैं इस वीडियो में, आप निश्चित रहिए, बिना टेंशन फ्री रहिए और लास्ट तक हमारी वीडियो देखिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ज़रूर निकाल के आपको देंगे अगर आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखेंगे। तो यहाँ पे लॉगआउट मैं दोबारा करके लॉगआउट दिखा देता हूँ आपको। मैं आपको दोबारा लॉगआउट करके दिखा देता हूँ ताकि वाली वीडियो का भी आपको पता चल जाए जिनको लोगों को दिक्कत हो रही है लॉगआउट और लॉगिन करने में। देखिए मैंने यहाँ से लॉगआउट कर चुका हूं और लोडिंग हो रहा है। अब यहां पे लोगों को दिक्कत हो रही है, अगर आप जियो सिम चला रहे हैं तो आप आराम से स्किप साइन इन कर सकते हैं, बाकी लोग अपनी आईडी बना सकते हैं। अब यहां पे मान लीजिए मैंने जियो टीवी खोल लिया, अब मेरे को कोई एक चैनल चलाना है। सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों ने कमेंट में लिखा है कि मेरा जी टीवी नहीं चल रहा और मेरा स्टार प्लस नहीं चल रहा। तो मैं आज बताना जा रहा हूं आपको कि क्यों आपका जियो टीवी और जियो टीवी में जी टीवी और स्टार प्लस क्यों नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे जी टीवी HD में आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो जब सबसे पहले कोई भी क्लिक करता है तो ये क्यों आता है, क्या लिख के आता है, दिस चैनल इज़ करेंटली अनअवेलेबल। दोस्तों आपने देखा कि अभी क्या लिख के आ रहा था, दिस चैनल इज़ करेंटली अनअवेलेबल। अब यहीं पे लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे लोग देखते हैं और क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं और बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं जी टीवी के, तो जब यहाँ पे सर्च करते हैं तो उन्हें कुछ मिलता नहीं। अभी देखिए फ़िलहाल में एपिसोड नंबर 12 आ रहा है तेरी गलियाँ का, लेकिन यहाँ पर तो ये अनअवेलेबल दिखा रहा है, तो लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब आपका दूसरे चैनल पे आते हैं, दूसरे चैनल पे कई लोगों ने कंप्लेन करी है कि स्टार प्लस नहीं आता है। चलिए स्टार प्लस देख लेते हैं। देख सकते हैं आप स्टार प्लस यहाँ पे जब लोग सर्च करते हैं, हम कैटेगरी में जाके सर्च कर सकते हैं एंटरटेनमेंट में, यहाँ पे क्लस है स्टार प्लस देखी है, यहाँ पे हमने बिल्कुल इसको करा। जैसे ही हमने स्टार प्लस पे ओके करा, हॉट स्टार हमारे सामने आ जाता है। यानी कि स्टार प्लस चलाने के लिए हमारा हॉट स्टार होना ज़रूरी है।
दोस्तों स्टार प्लस होने के लिए हमारा हॉटस्टार होना ज़रूरी है। अगर आप स्टार प्लस पे कोई भी सीरियल या स्टार के कोई भी स्टार मूवी जितने भी आते हैं, स्टार गोल्ड, इन सब के कोई भी मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो आप आराम से हॉटस्टार डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होती है। इसमें आपको इंस्टॉल करना होता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं। इसमें आपको देखिए ऑफिशियल स्ट्रीम ज़्यादातर IPL वगैरह इसी पे आता है, आपके आगे भी काम आएगा और कई सारी चीज़ों में काम आएगा। आप यहाँ पे TV शोज़ देख सकते हैं और कई सारी फिल्म्स देख सकते हैं और आप लेटेस्ट न्यूज़ भी यहाँ तक की पा सकते हैं इस पे। और लाइव स्पोर्ट तो है ही है, फेमस इसी के लिए। आप बता दूं मैं आपको, कई सारे रीजनल लैंग्वेज में भी आपको ये हॉटस्टार मिल जाता है और आपको खाली इंस्टॉल करना होगा। और फिर उसके बाद आपको अपने फेसबुक ID या Gmail ID या आपको Google+ ID से आपको यहाँ पे साइन अप करना होता है ताकि आप साइन इन हो जाएं और आराम से हॉटस्टार चला सकें। हॉटस्टार में आप स्टार प्लस के सारे सीरियल देख सकते हैं, जबकि हॉटस्टार में बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे आपका जो सीरियल है वो कुछ मिनट पहले या कुछ देर पहले ही आ जाता है TV में आने से पहले, तो ये एक अच्छा फ़ायदा है इसका। और हम अब अगली हमारी जो सेकंड टॉपिक है, GTV नहीं चल रहा है लोगों का, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे नंबर पे है टॉपफिर इंटरटेनमेंट में 100 मिलियंस आपके डाउनलोड्स हैं हॉटस्टार पे। तो जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी स्टार प्लस चलाने में या स्टार मूवीज़ चलाने में, तो उनके सीरियल्स और उनके मूवीज़ आप सब कुछ आप हॉटस्टार पे आराम से चला के देख सकते हैं। आप इसे hotstar.com से भी ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी किसी को दिक्कत होती है ऑनलाइन चलाने में, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप ऐप कर लें और उसमें आराम से आप लाइव स्ट्रीमिंग मूवीज़ सीरियल्स सब आराम से देख सकें। तो आइए हमारा अगला टॉपिक, उस पर बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ से पीछे हटते हैं और यहाँ पे JioTV पे वापस आ गए। ठीक है, हम वहाँ से पीछे हट गए। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, इससे पहले मैंने JioTV खोल के दिखाया था, यही आता है बार बार कई लोगों को, दिस चैनल इज़ करेंटली अनअवेलेबल। अब इस चैनल का क्या करा जाए? तो इस चैनल का कुछ करने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की, ज़्यादा आपको दिमाग पेची करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आप इसमें जितने सीरियल्स हैं आपके वो सब देख सकते हैं। और ये चैनल इसलिए अनअवेलेबल है, मैं इसकी रीज़न भी बता देता हूँ। देखिए, जैसे आप स्टार प्लस आप देख नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी ने हॉटस्टार निकाला है। वो चाहते हैं जो ऐप उन्होंने निकाला है वो सिर्फ हमारी कंपनी यानी कि स्टार प्लस की चैनल स्ट्रीमिंग होता है, तो स्टार प्लस की कंपनी के जो सॉफ्टवेयर है उसी पे वो ब्रॉडकास्ट हो, यानी कि उसी पे वो आए, तो वो यही चाहते हैं। और JioTV भी इस एग्रीमेंट पे पक्का करना पड़ता है उन्हें। तो अब हम यहाँ पे भी यही हाल JioTV का भी है। JioTV ने भी, अब आपको पता है कई दिनों से TV पे अगर आपने देखा होगा तो एडवर्टाइज आती है कि G5 करिए। G5 एक नया ऐप लॉन्च हुआ है JioTV के द्वारा, जिसमें आपको सारे जी के चैनल आपको मिल जाते हैं, जी सिनेमा, JioTV, जी न्यूज़, सब आपको इस पे मिल जाता है। आप आराम से इस पे, इस जो ऐप है जो आपने नया निकाला है इनकी कंपनी वालों ने, वो आप आराम से इसमें देख सकते हैं। और अभी तो यहाँ पे फ़िलहाल यही आ रहा है, दिस चैनल इज़ करेंटली अनअवेलेबल। तो देखिए, JioTV का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हम, अगर आपको देखना ही है JioTV के सारे सीरियल्स वगैरह और फिल्म वगैरह, तो आप आराम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम ऐप के पास चलते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ से एक्सिट होना है और फिर उसके बाद ऐप के पास चलना है। ऐप के पास जाने के लिए हमें अपना प्ले स्टोर खोलना होता है। प्ले स्टोर खुलने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना होता है Z5। देखिए, सबसे ऊपर ही दूसरे नंबर पे आ गया Z5। यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है, डायरेक्ट आपको ये यहाँ तक पहुँचा देगा। अब आप देख सकते हैं इस पे 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं, क्योंकि नया मार्केट में अभी कुछ ही महीने हुए हैं इसे आते हुए। और नंबर वन पे पहुंच गया, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है बहुत ज़्यादा। नंबर वन टॉप फ्री इंटरटेनमेंट में चलता है ये, और आपका इस पे 100,000 से ज़्यादा में वीडियो कंटेंट डालते हैं, ओरिजिनल सीरीज़ डालते हैं, शोज़ डालते हैं, मूवी डालते हैं और लाइव TV डालते हैं। आइए इसमें चल के देखते हैं क्या होने वाला है। इसमें हम देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में दे रखा है, जो आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, हर रीजनल लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा ये। द न्यू होम ऑफ इंटरटेनमेंट, देखिए आपको यहाँ पर टॉयलेट फिल्म भी मिल जाती है, जी सिने अवार्ड भी मिल जाता है, और देखिए कुंडली भाग्य भी, यहाँ पर सीरियल्स भी है,
90+ लाइव टीवी चैनल्स हैं इनके, मैंने कहा था जो इनकी कंपनी के होते हैं। देखिए जी न्यूज़, जी सिनेमा वगैरह जितने भी सब सारे सीरियल जो भी आते हैं, जितना भी कंटेंट आता है उस चैनल पे, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और ये देखिए 1,00,000+ आवर ऑफ कंटेंट और लाइब्रेरी ऑफ कई लैंग्वेज की मिलती है, प्रीमियम इंटरटेनमेंट मिलता है आपको, ठीक है। तो ये सब हम देख सकते हैं और इस पर देखिए कमेंट भी कितनी अच्छी अच्छी आई है। कुछ लोगों ने गलत लिखा है क्योंकि कभी कभी दिक्कत होती है लोगों को, और यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है इसका, ठीक है ना, HD मूवीज़ देता है। तो बिना कुछ देर करे अब हम इसे खोलने जा रहे हैं, तैयार हो जाइए आप, एकदम ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एक एक स्टेप देख लीजिए, मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो और आप दोबारा YouTube पे ना आए बार बार परेशान होने के लिए, एक बार में आपका जड़ से बिल्कुल सॉल्यूशन निकल जाए। स्टार प्लस वालों का हमने बता दिया है और अब जी टीवी वालों का देखते हैं। हम ओपन करते हैं इसे सबसे पहले, ओपन करने के बाद ये आपका आता है Z5 लिख के। ये लिखने के बाद आपको या तो आपके पास ट्विटर आईडी होनी चाहिए, या तो आपके पास गूगल प्लस होना चाहिए, या तो आपके पास फेसबुक आईडी होना चाहिए, और या तो आप अपने मोबाइल से भी OTP वगैरह जो भी आएगा उससे कर सकते हैं, और या तो आप अपने ईमेल आईडी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, और यहाँ पे स्किप का भी ऑप्शन है, ठीक है। देखिए स्किप का भी ऑप्शन है, आप चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घाटा ये होगा आपका अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो कुछ चैनल्स या कुछ वीडियोस होते हैं, कुछ ही वीडियोस होते हैं, वो ज़्यादा नहीं, आपको फ़ायदा तो पूरा मिलेगा स्किप करने के बाद भी, आप बाद में मेनू से जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, वो ऐसे कि मतलब आपको ये सारी कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे सीरियल्स वगैरह जो पहले आते हैं, पहले सीरियल्स जो इनको मिल जाते हैं वो इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि वो रजिस्टर करके रखते हैं। तो आपका फ़ायदा ही होगा क्योंकि आपका घाटा भी नहीं अगर आप रजिस्टर कर दें तो। तो हम सीधा यहाँ पे लॉगिन के लिए सब ठीक है ना, अब हम रजिस्टर पे जाते हैं, डोंट हैव एन अकाउंट, हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है अभी, रजिस्टर पे चले गए। अब यही इंटरफेस आ गया, वही सेम रजिस्टर वाया मोबाइल नंबर, रजिस्टर वाया ईमेल आईडी, ठीक है। तो अब हम सीधा आपको जो करना है, आपके पास फेसबुक आईडी है फेसबुक आईडी से कर सकते हैं, ट्विटर आईडी है ट्विटर आईडी से कर सकते हैं, गूगल प्लस है गूगल प्लस से कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल नंबर से करते हैं तुरंत, ठीक है। मोबाइल नंबर से आपका जो होगा इस पर क्लिक करते हैं, रजिस्टर वाया मोबाइल नंबर, ये लोडिंग होने लगा है क्योंकि इंडिया का पहले आ चुका है हमारा कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कोई भी कंट्री को, पाकिस्तान इंडिया कोई भी चलेगा, ठीक है। 87, ठीक है ना, यहाँ पे बता दें आपको यहाँ पे पासवर्ड भरना होगा, फिर आपको एग्री करना होगा, ठीक है ना, आपको एग्री करना पड़ेगा। इसकी टर्म एंड कंडीशन मैं आपको ये बता देता हूँ कौन कौन से इसमें, देखिए सारी कुवैत से भी लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए मैं सारी कंट्रीज़ दिखा देता हूँ जहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिको, माल्टा, MNO, देखिए पाकिस्तान से भी लोग देख सकते हैं, यानी कि ZTV पर जितने भी चैनल आते हैं वो सब आप देख सकते हैं आराम से। दोस्तों अब मैं इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा। देखिए यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि मैं 18 साल से ऊपर हूँ, और आपको सारी टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपका पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपकी बात बनेगी। और आप मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले इंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, फिर गेट OTP पे क्लिक करूंगा। तो देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पे GTV हो गया है, और यहाँ पे OTP हमारा भेज दिया गया है, इन्होंने बोला है कि Z5 रिक्वायर दिस परमिशन टू रीड योर SMS सो इट कैन ऑटो रीड OTP सेंट। मैं तुरंत कर देता हूँ जल्दी से, बिना कुछ कहे अलाउ कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए इंटर OTP आ चुका है, मैं यहाँ से OTP मैनुअली भी डाल सकता हूँ, 8230, ठीक है। यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है कुछ, देखिए यहाँ पे अपने आप ही यहाँ पे OTP हो गया, हुर्रे सक्सेसफुली रजिस्टर, नाउ यू कैन आइदर पर्सनलाइज योर अकाउंट और स्टार्ट ब्राउजिंग ऑन Z5। हम यहाँ पे ब्रोज कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं, तो पर्सनलाइज कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश भी कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों, मैं हिंदी कर दे रहा हूँ, कई लोग हिंदी में ज़्यादा देखते हैं, तो आप जाके बाद में इसे चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे आपका लोडिंग होगा, ये देखिए बिल्कुल मस्त हो गया, बिल्कुल परमिशन, पॉज द वीडियो दैट यू आर वॉचिंग व्हेन यू गेट इनकमिंग कॉल, ठीक है ना। आप वीडियो अगर मान लीजिए कभी आपको कॉल आ जाती है तो आपने उसमें वीडियो भी अपने आप ही पॉज हो जाए, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो उसके लिए अलाउ करने हैं।
तो अब गाइडेड टूर, अब यहाँ पे गाइड करना होता है आपको, मैं बता दूँ कैसे कैसे चलाना होगा इसको। जानने के लिए आपको यहाँ तीन लाइनें इस पर करना होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आप लाइव टीवी देख सकते हैं। मैंने कहा था आपको जियो टीवी से, आप जरूरी नहीं है आप जियो टीवी से लें, क्योंकि जी टीवी वालों ने कंपनी अपने उन्होंने जी फाइव खोल चुके हैं और वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे लाइव टीवी, क्विक एक्सप्रेस सब कुछ कर सकते हैं। इनमें बैक आते हैं, अब मैं कोई भी आपको कुछ पिछला एपिसोड भी, कल वाला एपिसोड जैसे इश्की सुबहान अल्लाह, ये शो भी चला के दिखा सकता हूँ आपको, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आपका जियो टीवी खुल गया है या नहीं। देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। अगर ये सच है तो मेरा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पे हमने ये भी खोला और आप देख सकते हैं आराम से ये सारे चैनल चल रहे हैं। आप यहाँ पे प्रीमियम देख सकते हैं, शोज़ कोई भी हो, ये तेरी गलियाँ, जितने भी शोज आपके आते हैं, सीरियल्स, यहाँ तक कि देखिए यहाँ पे, यहाँ तक कि आपके भाभी जी घर पर हैं भी आता है यहाँ पे। मूवीज़ आप परमाणु न्यू रिलीज़ है, अभी देख सकते हैं, देखते हैं क्या है ये। देखिए यहाँ पे ये देखने के लिए आपको 99 रुपये देने होंगे, या तो आप इसका ट्रेलर दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, परमाणु का ट्रेलर आ रहा है, यहाँ पे फिल्म भी देख सकते हैं कैसे ऐसे कि आप, मतलब यहाँ पे हम कमांडो 2 भी देख सकते हैं। ऐसा आप ऐसे देख सकते हैं कि आप इसमें आपको सब्सक्रिप्शन देना होता है, आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देना होता है, इस पर पैसे देने होते हैं। तो आपको कैसे लगी हमारी वीडियो Z5 पे और स्टार प्लस पे, बिल्कुल निचोड़ वीडियो हमने बनाई है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई तो उसके लिए हमारे खेद है, और आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और टेक्निकल से कोई भी इशू हो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, हमें तुरंत कमेंट कर सकते हैं और हम तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए, अपना मूल्य समय देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।